नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के 12 जिले बाढ़ से तबाह, अगले 72 घंटे तक कोहरा। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कर दी बड़ी मांग। बिहार में 1,22,000 पदों पर जल्द होगी पुलिस भर्ती। बिहार में जमीन सर्वे का काम टला, मंत्री ने दी बड़ी राहत। कानून व्यवस्था पर तेजस्वी ने सीएम को घेरा। बिहार में सोशल मीडिया का नेता नहीं चलेगा, सांभवी का तंज। नवादा अग्निकांड की हो सीबीआई जांच, प्रेतों से मिले मांझी। नीतीश कुमार को लेकर मंत्री लेसे सिंह का बड़ा बयान। गया पितृपक्ष मेले को लेकर गया एसएसपी एक्शन मोड में। जमुई में कहर बनकर गिरा छज्जा, 2 की मौत, 7 घायल। बिहार में आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रदेश की नदियां इस समय जबरदस्त तूफान पर हैं। बिहार की बड़ी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का दौर जारी है। प्रदेश की सभी छोटी बड़ी नदियों में तेजी से हो रही जलस्तर में वृद्धि का कारण नेपाल, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हो रही बारिश बताया जा रहा है। इसलिए राज्य के 12 जिलों में अगले 72 घंटे तक बाढ़ से राहत की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद ही नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे जाने की उम्मीद है। इस समय प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक नदियां पिछले 4 दिन से खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यही नहीं, गंगा जी भी अपने रौद्र रूप में है। गंगा के अलावा कोसी, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा, पुनपुन और सोन नदी का जलस्तर पिछले 3 दिन से खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जानकारी के अनुसार बिहार के 12 जिलों के 61 प्रखंडों के 327 से अधिक ग्राम पंचायतों के लोगों पर पलायन का खतरा मंडरा रहा है। सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम माता सीता के जन्मस्थली को लेकर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को सबसे पहले अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए बधाई दी है। इसी के साथ उन्होंने बताया है कि सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम को बिहार सरकार 50 एकड़ भूमि को अधिग्रहित कर विकसित कर रही है। उन्होंने पीएम से अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए राम जानकी मार्ग का निर्माण जल्द पूरा कराने का आग्रह किया है। इसके साथ ही पुनौरा को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने की मांग की है। दरअसल सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम माता सीता के जन्मस्थल के रूप में देश भर में विख्यात है। हालांकि यहां का मंदिर और रोड उतने डेवलप नहीं है। बिहार सरकार राज्य में बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों की बहाली करने जा रही है। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में अभी भी कई पद खाली हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक के दौरान पीएम ने संबंधित अधिकारियों को बिहार पुलिस महकमे में खाली पड़े पदों पर जल्द से जल्द बहाली करने का निर्देश दिया। बता दें कि फिलहाल बिहार में पुलिस कर्मियों के लिए 2,29,139 पद स्वीकृत हैं। ऐसे में अब बिहार पुलिस महकमे में 1,23,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी देश में सबसे ज्यादा है। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने से थाने में जो शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं को सहूलियत हुई, उनकी समस्याओं का समाधान भी बेहतर तरीके से हो पा रहा है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। इसलिए जल्द से जल्द जितने भी रिक्त पद हैं उन पर नियुक्ति की जाए। बिहार में जमीन सर्वे के लिए 3 महीने का समय और बढ़ा दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि सर्वे में रैयतों की परेशानी को देखते हुए पहले 3 महीने का समय रैयतों को कागज तैयार करने के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद जनप्रतिनिधियों, रैयतों और अधिकारियों के साथ बैठक होगी और फिर सर्वे का काम शुरू होगा। बिहार में भूमि सर्वे के लिए 3 महीने का समय बढ़ाए जाने पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि भूमि सर्वे लगातार चल रहा है और चलता रहेगा जब तक कि हम लोग इसको समाप्त नहीं कर ले। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी, उनके पास कागज नहीं था, हमने वैसे रैयतों के लिए विभाग से विचार विमर्श किया, 3 महीने का समय देने का निर्णय लिया ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो और आराम से अपनी कागजात उपलब्ध कर ले, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, सरकार उसके लिए चिंता कर रही है। भूमि सर्वे पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उसने आज़ादी के 70 से 75 साल तक जमीन का डिजिटल ब्यौरा कंप्यूटर पर क्यों नहीं अपलोड कराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर शनिवार को समीक्षा बैठक बुलाई थी। अब तेजस्वी यादव ने इसको लेकर उन पर तंज कसा है और कहा है कि अधिकारी भी जानते हैं कि जब विपक्ष का दबाव बढ़ता है तो दिखावे और फॉर्मेलिटी के लिए सीएम अचानक ऐसी बैठक बुला लेते हैं। कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री हर बार उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने की सिर्फ औपचारिकता पूरी करते हैं। सीएम
नीतीश कुमार का इकबाल यह है कि प्रदेश में ऐसी प्रत्येक समीक्षा बैठक के बाद अपराध में और अधिक वृद्धि होती है, क्योंकि अधिकारी और अपराधी भी ऐसी बैठकों की असलियत जानते हैं। अधिकारी भी जानते हैं कि जब विपक्ष का दबाव बढ़ता है तो दिखावे के लिए ऐसी बैठक बुला लेते हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि ऐसी समीक्षा बैठक का क्या फायदा और औचित्य, जिसमें राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव और एडीजी भी उपस्थित ना रहे। उन्होंने कहा कि शीर्षस्थ अधिकारियों की अनुपस्थिति दर्शाती है कि विधि व्यवस्था पर मुख्यमंत्री कितने गंभीर हैं। एनडीए सरकार अपराधियों को संरक्षित और संपोषित कर बिहार वासियों की जान के साथ खेल रही है। इधर समस्तीपुर सांसद संभवी चौधरी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वो सोशल मीडिया के राजा बन गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया का नेता बिहार में नहीं चलेगा। संभवी ने नेता विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पहले जो संगठित अपराध होते थे, आज वो नहीं हो रहे, और अगर वो कहना चाह रहे हैं कि अभी बिहार में जंगल राज है तो आप कुछ करिए ना, बैठकर ट्वीट करने से तो कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया का नेता बिहार में नहीं चलेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नवादा में महादलित बस्ती पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों के घरों में जाकर एक एक कर परिवार के लोगों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने नवादा की घटना में प्रशासन दोषी है, इस टोला में आज कुछ व्यवस्था है तो वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर 1996 से महादलित लोग रह रहे थे, लेकिन यहां के प्रशासन के द्वारा 3 साल रहने की बात बताई गई। इससे साफ जाहिर होता है कि यहां का प्रशासन भूमाफिया का साथ दे रही है। पासवान जाति के आरोपित नंदू पासवान नाम आग लगाने में आ रहा है, उसके पीछे अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं। मुझे मालूम है कि ऐसी अदृश्य शक्तियां जिसके इशारे पर ही सब कुछ होता है। हम मांग करते हैं कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। वहीं इस दौरान मांझी ने फिर से यादव जाति और राजद पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वहां के 100 में 70% जमीन पर अवैध कब्जा राजद के लोगों का है। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जाँच की मांग की। मंत्री लेसी सिंह पूर्णिया आवास पर हजारों की संख्या में जनता दरबार में अपनी समस्या लेकर महिलाएं पहुंची। इस दौरान मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि लोगों का सेवा करना ही मेरी मकसद है। 2000 से लेकर अब तक लोगों की मदद और जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनकर निदान करना ही मेरा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मेरी वजह से दूसरों की भलाई हो, हम वो चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विकास के साथ महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया है। पितृपक्ष मेले को लेकर एसएसपी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए प्रतिदिन औचक निरीक्षण कर रहे हैं। एसएसपी आशीष भारती मेले के लिए बनाए गए यातायात नियमों का पालन करते हुए पैदल ही चांद चौराहा से विष्णुपद मंदिर, देवघाट, शमशान घाट, रबर डैम सहित पूरे मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान देश विदेश से आए तीर्थयात्रियों से पुलिस के कामों का फीडबैक भी लेते रहे। निरीक्षण के दौरान खुद विष्णुपद मंदिर के अंदर भीड़ देखकर वहां प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी कर्मियों को प्रेरित करते हुए भीड़ नियंत्रण करने लगे, साथ में पुलिस कर्मियों से सख्त निर्देश भी दिए। जमुई में छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। घटना सिकंदरा थाना क्षेत्र के रिसिडी गांव की बताई जा रही है। घटना के बाद आनन फानन में छज्जा हटाकर लोगों को निकाला गया। इस दौरान एक की मौत हो गई थी जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत हुई। इधर मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल रिसिडी गांव में एक निजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम देखने के लिए 2 लोग छज्जा पर बैठे थे, बाकी लोग इसी छज्जा के नीचे बैठे हुए थे। सभी लोग कार्यक्रम देख रहे थे। दौरान अचानक से छज्जा भरभरा कर गिर गया। देखते ही देखते ऊपर बैठे दोनों लोग और छज्जा नीचे बैठे लोगों पर गिर गया। पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है।